हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे माय टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। में फर्स्ट पॉइंट स्मेल। देयर आर थ्री फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट स्मेल, सेकेंड सॉल्युबिलिटी एंड थर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्मेल, इन केस ऑफ स्मेल, इफ द फर्स्ट थ्री एलिफेटिक एसिड द इन केस ऑफ स्मेल द फर्स्ट थ्री एलिफेटिक एसिड सच एज द फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड आर कलरलेस एंड हाई पंजेंट स्मेल लिक्विड। कलरलेस तो है, ये साथ साथ एक ऐसा स्मेल है, हाई पंजेंट स्मेल लिक्विड है। इसका फिजिकल स्टेट भी बता रहा है। जो फर्स्ट थ्री एलिफेटिक एसिड हैं, जिससे फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हैं, इनका स्टेज भी बता रहा है कि स्टेज क्या, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है और स्मेल कैसा है, हाई पंजेंट स्मेल है। द नेक्स्ट सिक्स एसिड कहाँ से, फ्रॉम C4 से C9। C3 तक हमारा क्या था, प्रोपेनोइक एसिड था, लेकिन उसके बाद तीन एसिड फ्रॉम C4 से C9, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड से लेकर के हमारा नाइन किस क्या पड़ेगा, नोनेनोइक एसिड तक, आर आसो कलरलेस ऑयली लिक्विड। यह वाटर के कंपेरिजन में रूम टेम्परेचर पे इनका जो फिजिकल स्टेट होता है वह ऑयली लिक्विड होता है, ऑयल के समान डेंस होता है और होता क्या, कलर क्या है, कलरलेस है, लेकिन स्मेल कैसा है, प्लीजेंट स्मेल है, यह पंजेंट नहीं है बल्कि कैसा स्मेल है, विथ प्लीजेंट स्मेल। बट लिख रहा है बट द एसिड विथ 10 आर मोर कार्बन एटम, एक ऐसा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन के एटम 10 या 10 से ज़्यादा हों, वह उनका रूम टेम्परेचर पे जो फिजिकल स्टेट है वह वैक्स लाइक सॉलिड है और उसको स्मेल को हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह लो वोलेटाइल होता है, उसकी वोलेटाइल की प्रॉपर्टी क्या होती है, लो होती है। दैट क्लियर। तो हम सॉल्युबिलिटी की बात किए, अब हम दूसरी बात करेंगे। पहली डिस्कस हम स्मेल के किए, दूसरी हम डिस्कस सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी में बस वही है जैसे एल्डिहाइड क्यूटन में चल रहा था कि अप टू फोर कार्बन एटम हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन का एटम कितना है, 1 से लेकर के 4 तक, आर मिसिबल इन टू द लिक्विड, वह वाटर में पूरी तरीके से सलूबल हैं क्योंकि वाटर के साथ वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वह कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू फोर कार्बन एटम क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, कब, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब सीधा सा है कि पेंटोनोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड दो ऐसे एसिड हैं जो वाटर में पार्शली सोलूबल होते हैं, दिया ना, पेंटोनोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड आर पार्शली सोलूबल इन टू द वाटर, बट हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसोलूबल। हेक्सेनोइक के बाद जो आगे हम चलेंगे, आगे कार्बन के एटम ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन का एटम 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इस टाइप से जैसे जैसे आगे कार्बन के एटम बढ़ता जाएगा वह वाटर में कंप्लीट इनसोलूबल होते जाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, वह हाइड्रोकार्बन पार्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जा रहा है और वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी जो है कम होती जाएगी। दैट क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट, वो चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे वो कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस का हाइड्रोकार्बन हो, मतलब सब कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस,
कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द अल्कोहल, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, अनकंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक डाइमर स्ट्रक्चर शो करता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से एक डाइमर स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे हमने लिखा एस्टिक एसिड CH3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड O या क्या हमारा OH है, या एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से यह कैसे डाइमर स्ट्रक्चर बनाता है, यह हो गया यह हो जाएगा CH3, यह हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ये देखिए, यह ऑक्सीजन का वन मालिक्यूल अपना लोन पेयर देकर के दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को जोड़ रखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना है वह एक लोन पेयर देकर के दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ गया, यानी दो हाइड्रोजन बॉन्ड मिला इसमें। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड मिला? दो। अब दो हाइड्रोजन बॉन्ड मिला, इसका मतलब क्या है? डाइमर स्ट्रक्चर है, मतलब एसोसिएट हो रहा है मालिक्यूल, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से क्या हो रहा है? एसोसिएशन चल रहा है। एसोसिएशन किस बेसिस पर हो रहा है? जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने की वजह से जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड कीटोन और करीब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस हाइड्रोकार्बन अल्कोहल से ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है कि CH3COH का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। यह हमारा प्रोपेन मनाल है जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, 370 केल्विन का टेम्परेचर है, मतलब यस इनका मोलर मास है और यह इनका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट है वह किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन का है। अरे 50-50 है, मान लीजिए कि प्रोपेन वनाल का 51-58 है, एसीटोन का भी 58 है, तो कंपेरेबल लगभग 60 और 58 सेम है, कोई विशेष डिफ्रेंसेस नहीं है। और CH3 CH2 CH3 जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसका मोलर मास कितना है? 58 ग्राम। और जिसका 58 ग्राम सबका अपना अलग अलग है, और देखिए इसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट 309 केल्विन है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन की कम क्यों हुई? क्योंकि इसमें वीक वांडर वाल फोर्स है। कीटोन और एल्डिहाइड में पोलर नेचर होने की वजह से जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है, जिसमें एल्डिहाइड का कम है और कीटोन का क्या है? मैक्सिमम है। कीटोन का मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि इसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़ा है जो और पोलरिटी को डेवलप कर रहा है। अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा इसलिए क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्यों? क्योंकि ये डायमर स्ट्रक्चर शो करता है जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।